बच्चों, वेलकम बैक। देखिए, अभी हम बात करेंगे कलर एंड्स के बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो ये यूनिट चल रही है वो चल रही है फूड एनालिसिस। तो जो कलर एंड्स भी होंगे वो होंगे फूड कलर्स। फूड कलर्स को बच्चों हम फूड पिगमेंट्स भी बोलते हैं, फूड डाइज भी बोलते हैं, फूड एडिटिव्स भी बोलते हैं। तो इन वो सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर कलर को इम्पार्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं फूड कलर्स। और ये फूड कलर्स क्या होते हैं कि ये कई फॉर्म में मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं, जेल फॉर्म में भी मिलते हैं और पेस्ट फॉर्म में भी मिलते हैं। जो ये कलरेंट्स होते हैं या फूड कलर्स जो होते हैं, ये इनके अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इनकी वजह से हम डायरेक्ट फ्लेवर और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी दिख जाती है और उसके अंदर फ्लेवर फील होता है। इस दूसरा ये जैसे कि कुछ फॉर्मुलेटेड जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कन्फेक्शनरीज होती हैं एंड आइसक्रीम्स होते हैं, स्नैक्स होते हैं एंड उनके अंदर कुछ कलरिंग एजेंट की जरूरत होती है जिसकी वजह से हमें फूड कलर्स ऐड करने पड़ते हैं। कलरेंट्स जो होते हैं या फूड कलर्स जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। क्योंकि फूड आइटम्स की क्वालिटी को या फूड आइटम्स के प्रोडक्शन को यूनिफॉर्मली बनाने के लिए, एक जैसा बनाने के लिए क्या करना होता है, फूड कलर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। मान लीजिए कोई एक चीज हम बना रहे हैं और उसमें उसके अंदर थोड़ा सा नेचुरल कलर है, तो वो जो नेचुरल कलर है वो क्या होगा, कहीं ज्यादा दिखेगा कहीं कम दिखेगा। तो जहां से ज्यादा जहां से कम दिख रहा है उसमें यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए, इक्वालिटी को बनाने के लिए फूड कलर्स डाल दिया जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अपीयर हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, जैसे जिस अपीयर होने की वजह से क्या होता है, फूड बहुत इफेक्टिव भी हो, देखने में भी इफेक्टिव होता है और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है। फूड कलरेंट्स को बच्चों दो क्लास में क्लासिफाइड किया है, एक होते हैं नेचुरल फूड, दूसरे होते हैं सिंथेटिक फूड। तो अभी हम डिस्कस करते हैं नेचुरल फूड कलर्स क्या होते हैं। जो नेचुरल फूड कलर्स होते हैं बच्चों, वो प्लांट से जनरली एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जनरली प्लांट से ही लिए जाते हैं। इनको क्या करते हैं, इनका यूज करने के लिए क्या होता है बच्चों, जैसे कि फूड इंडस्ट्री में अगर हम इनको यूज करें तो ये बहुत अच्छे स्केल पर हमें नहीं मिलते, क्योंकि इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इनमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि ये स्मॉल अमाउंट में हमें एक्सट्रैक्ट, इस कम अमाउंट में ही हमें मिलते हैं, कॉमर्शियल लेवल पे प्लांट से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। तीसरा, इसमें इनस्टेबिलिटी होती है, यानी कि इसके अंदर लाइट और हीट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लाइट और हीट की वजह से ये अपना कलर रिड्यूस करते चले जाते हैं। चौथा, इसमें रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट कि इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से यूनिफॉर्मिटी नहीं आती प्रोडक्ट में। तो इस वजह से क्या हुआ, कुछ आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फूड कलर्स की भी जरूरत पड़ी जो कि इंडस्ट्रीज ने बनाए। और जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नेचुरल फूड कलर्स हैं, जैसे कि आपका एंथोसाइनिंस है, ये नेचुरल फूड कलर है, एंड बीटा साइनिंस इज द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फूड कलर, एंड कैरोटीनॉइड्स इज द एग्जांपल ऑफ फूड कलर्स, नेचुरल फूड कलर्स। इसके अलावा फिनोलिक्स इज द एग्जांपल ऑफ फूड नेचुरल फूड कलर। जो एंथोसाइनिन है बच्चों, वो क्या, उसका जो शेड होता है वो रेड होता है, और जो कि बेवरेज में और कन्फेक्शनरीज आइटम्स में और एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है और एज ए फ्रूट आइटम्स में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा जो बीटा साइनिन है बच्चों, जो डेयरी प्रोडक्ट है और डेजर्ट्स हैं और जो आइसनिंग्स प्रोडक्ट है उसके अंदर जो बीटा साइनिन नाम का नेचुरल फूड कलर मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जैसे कैरोटीनॉइड्स है बच्चों, इसका जो शेड होता है वो येलो कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है, जो कि राइस डिशेज में यूज किया जाता है और बेकरी प्रोडक्ट में भी, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट में भी इस फूड कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, जैसे फिनोलिक्स है,
फिनोलिक्स ऑरेंजिस और येलोइस कलर का होता है, जो कि डेयरी प्रोडक्ट में और कन्फेक्शनरीज प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सिंथेटिक फूड कलर्स की। जो मैनमेड फूड कलर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फूड कलर्स। तो ये जो सिंथेटिक फूड कलर्स होता है, इसमें सबसे अच्छा बात क्या होती है बच्चों, ये वाटर सोल्युबल फूड कलर्स होते हैं, तो जो जिससे कि किसी भी प्रोडक्ट में यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। ऐसा नहीं लगता है कि जो कलर आ रहा है कहीं कम आ रहा है कहीं ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वाटर में सोल्युबल है तो यूनिफॉर्मली वो डिजोल्व हो जाएगा। इसको इन जो सिंथेटिक फूड कलर्स हैं बच्चों, उसको कॉमर्शियल लेवल पे हम लोग यूज कर सकते हैं, चाहे पाउडर की फॉर्म में ले लो, चाहे पेस्ट की फॉर्म में ले लो, चाहे ग्रेनुल्स की फॉर्म में ले लो, चाहे सॉल्यूशन की फॉर्म में ले लो। जो स्पेशल प्रिपरेशन की जाती है फूड कलर्स की, उसको हम लेक्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो फूड कलर्स है वो फॉर्मुलेटेड किया जाता है बाय ट्रीटिंग द कलरेंट विद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एंड उसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होती विद द हेल्प ऑफ लाइट और हीट। इसकी जो पीएच है एंड उसकी जो रिड्यूसिंग नहीं होती, किसकी वजह से? हीट की वजह से, पीएच की वजह से और किसी रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से। इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सिंथेटिक फूड कलर्स हैं, जैसे कि एलुरा रेड, जो कि रेड कलर का होता है, जो कि जिलेटिन, पुडिंग्स, डेयरी प्रोडक्ट, कन्फेक्शनर्स एंड बेवरेज में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिलियंट ब्लू, जो कि ब्लू कलर का होता है, जो कि बेवरेज में, कन्फेक्शंस में एंड आइसनिंग में, सिरप में, डेयरी प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। रिथ्रोसिन, ये भी एक सिंथेटिक फूड कलर है और इसको मार्सको चीनो चेरीज, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है। और एक फास्ट ग्रीन कलर का फूड कलर है, जिसका शेड जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसको बेवरेज में, पुडिंग में, आइसक्रीम में और शरबत में, कन्फेक्शनरी आइटम्स में इनको जनरली यूज किया जाता है। सनलाइट येलो भी एक कॉमन फूड कलर है, जिसको बेकरी प्रोडक्ट में, आइसक्रीम में, सॉस में और सीरियल्स में, बेवरेज में, इनमें सब में यूज किया जाता है। इसके अलावा बच्चों इंडिगो कारमाइन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड कलर है और जो कि कन्फेक्शनरी आइटम में, आइसक्रीम में, बेकरी प्रोडक्ट में, इन सब में यूज किया जाता है। तो अगर किसी को ये चेक करना है कि फूड कलर कौन सा अवेलेबल है, तो जब भी आप कोई खाने की चीज लाए तो आप उसके रैपर पे लिखी कंपोजिशन को जरूर पढ़ ले, और उसमें सब कुछ लिखा होता है कि कौन सा फूड कलर यूज किया गया, कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है, कितनी क्वांटिटी में क्या डाला गया है, तो वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा और आपको ये नाम भी याद हो जाएंगे कि कौन कौन से जनरली फूड कलर्स किस किस चीज में यूज किए जाते हैं। अब बच्चों बात आती है एनालिसिस की। तो बच्चों जो एनालिसिस ऑफ फूड कलर्स है, उसको करने के लिए हमें एक से ज्यादा मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रिजर्वेटिव्स में किए थे, तो जैसे कि हम टेस्ट मेथड के थ्रू भी हम कर सकते हैं, कि किसी तरह के प्रेसिपिट अगर आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं जैसे, और मान लीजिए यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से भी हम इसका डिटर्मिनेशन कर सकते हैं जो फूड कलर्स हैं उनका। एचपीएलसी मेथड से भी हम फूड कलर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, टीएलसी मेथड के थ्रू भी हम फूड कलर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो जिस तरह से प्रिजर्वेटिव्स की जो टेक्निक्स थी, वो सब टेक्निक्स को लगाने के बाद जनरली हम फूड कलर्स के डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो बच्चों ये था टॉपिक हमारा फूड कलरेशन एंड एनालिसिस ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड कलर्स। तो अभी नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।